हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका खरगोश चीजों को कुतरते रहता है? मतलब कि क्या आपका खरगोश कुछ ना कुछ काटते रहता है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगी, क्या आपका खरगोश क्या चप्पल देखता है तो क्या चप्पल खराब कर देता है काट काट कर, या सोफा सेट क्या कुतरता है, या तो तार अगर दिखता है उसे तो क्या वो उसे काटता है, मतलब या तो कुछ कागज़ अगर उसे नीचे पड़ा हुआ है तो क्या वो अपने दांतों से कुतर डालता है? तो क्या फ्रेंड्स आपका बनी ऐसा करता है क्या? अगर करता है और आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों करता है खरगोश, तो ये वीडियो फ्रेंड्स आप सभी के लिए है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। इस टॉपिक के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे हमारे पास कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाए, तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और आई होप आपको इसका रीज़न पता चलेगा, तो आप समझ पाएंगे और अपने बनी का और ज़्यादा टेक केयर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रैबिट ऐसा क्यों करता है। फ्रेंड्स, पहला रीज़न तो ये है कि रैबिट का जो दांत है वो अप्रोक्सीमेटली 2 mm तक हर वीक बढ़ते रहता है, मतलब कि ग्रोथ उसकी होती है 2 mm पर वीक। तो फ्रेंड्स वो अपने रैबिट, मतलब कि रैबिट अपने दांत के ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, मतलब कि ज़्यादा ग्रोथ ना हो पाए, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ अगर दांत की अगर होगी रैबिट की तो फ्रेंड्स आउट ग्रोथ अगर होता है उसके दांतों की तो फ्रेंड्स उसे फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए रैबिट चीज़ों को कुतरते रहता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये तो था पहला रीज़न। ये चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो में भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया है, जैसे कि आप अगर आप हमारा वीडियो देखते रहते हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रैबिट। तो फ्रेंड्स से मैंने उसमें ये चीज़ें बताई थी कि मतलब कि रैबिट के दांत से रिलेटेड ये चीज़ें मैंने उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स से अब हम लोग सेकंड पॉइंट पर चलते हैं कि रैबिट चीज़ों को क्यों कुतरते रहता है। तो फ्रेंड्स से सेकंड पॉइंट या तो थर्ड पॉइंट, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट के बाद जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आप लोगों को के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बनी को बहुत सालों से उसको अपने साथ रखा है। गुबलू तो हमारा 3 साल से है और गुबलू से भी पहले हमारे पास बनी था, वो 10 साल तक था हमारा बनी फ्रेंड्स। तो हमें बहुत साल का एक्सपीरियंस है खरगोश को लेकर। तो फ्रेंड्स हम लोग उस बेसिस पर बताना चाहेंगे, हम लोगों ने जो ऑब्ज़र्व किया कि हमारा खरगोश क्यों कुतरते रहता है चीज़ों को। पहला रीज़न तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया कि उसके दांत को लेकर, और इसके बाद जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे जो लगता है कि रैबिट आप सभी का अटेंशन पाने के लिए वो ऐसा करता है, चीज़ों को कुतरता है। फ्रेंड्स, मैं हर जगह में एग्जांपल देकर मैं बताना चाहूँगी कि हमारा बनी ऐसा मतलब कुतरता है, और हम लोगों ने किस तरह से समझा कि वो मतलब कि वो क्या बताना चाहता है। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अटेंशन पाने के लिए रैबिट चीज़ों को कुतरता है, ये हमें लगता है। फ्रेंड्स, आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो गुपलू है वो जब मतलब हम लोग जब उसको फर्स्ट टाइम लाए थे तो वो मतलब कि हमारे सोफ़ा सेट के अंदर वो अंदर घुसकर बैठता था, और वो मतलब कि हम लोगों ने उतना नोटिस नहीं किया था। फिर हम लोगों ने एक दिन देखा कि हमारा गुपलू मतलब सोफ़ा सेट को कुतर रहा है। हम लोगों ने जाकर देखा तो फिर उसे फिर से हटाया। फिर हमें बार बार आवाज़ आती थी कि कुछ तो काटने की आवाज़ आ रही है, कुछ तो कुतरने की आवाज़ आ रही है।
फिर हम लोगों ने जाके देखा तो फ्रेंड्स उस समय सोफ़ा सेट वो काफ़ी वो काट चुका था नीचे से, वन साइडेड हमारा गुपलू सोफ़ा सेट काफ़ी काट चुका था। तो फ्रेंड्स हमें समझ में नहीं आया हम लोग उसको क्या करें, क्योंकि वो सोफ़ा सेट बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दिया था। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने उसको फिर ट्रेंड किया कि नहीं बेटा इधर नहीं जाना है, आप इधर रहो, इसको कट इसको मतलब कि इसको कुतरना नहीं है। लेकिन वो फिर एक दो दिन वो तब भी वो जा रहा था, और फिर हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि वो बहुत रेयर ही जाता था सोफ़ा सेट के नीचे, और बहुत रेयर ही वो कुतरता था। तो फिर हम लोगों ने क्या समझा कि जब हमारा जब रैबिट मतलब कि हम लोगों ने जब उसको ट्रेंड कर दिया कि इधर नहीं जाना है, तब वो बहुत रेयर जाता था जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जब हम लोगों ने हम लोग देखते थे कि वो गया है काटने के लिए, तो फ्रेंड्स हम लोग उसको दौड़े दौड़े आते थे और उसको बोलते थे कि तुम यहाँ से जाओ, तुम क्यों काट रहे हो यहाँ से, क्यों मतलब क्यों कुतर रहे हो। तो रैबिट इतना ज़ोर से मतलब एकदम डांस करते हुए जंप मारते हुए वहाँ से भागता था। तो फ्रेंड्स इससे ये पता चलता है कि रैबिट हमारा अटेंशन पाना चाहता है। रैबिट जानता है कि अगर मैं उधर जाऊंगा चीज़ों को कुतरने के लिए, तो हमारा जो ओनर है, हमारा जो हमारे जो साथ है, जो हमसे बहुत ही इंटरेक्ट करता है, वो ज़रूर आएगा यहाँ पर देखने के लिए, और वो हमारे साथ वो टाइम स्पेंड करेगा। तो फ्रेंड्स हमारा गुपलू भी ऐसा ही करता था। अभी भी जब उसे ऐसा बोर सा लगता है, एक्चुअली बोर तो बहुत रेयर लगता है क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट मतलब उसके साथ रहते हैं, वो हमारे साथ बहुत ही खेलता कूदते रहता है फ्रेंड्स से, लेकिन तब भी अगर वो मतलब कि कभी उसे लगता है तो सोफ़ा सेट के पास अभी भी जाता है और वो दांत से सिर्फ एक दो मतलब ऐसा थोड़ा सा थोड़ी सी जगह से काटता है, क्योंकि वो तो नीचे से ऑलरेडी बर्बाद कर ही चुका है। तो वो बस जाता है और वो थोड़ी सी आवाज़ें करता है तो हम लोग तुरंत आते हैं, फिर देखते हैं कि वो डांस करते करते एकदम जंप मारते एकदम कानों को हिलाते हुए वो फिर मस्ती से वो भागता डांस करता हुआ वहाँ से जाता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि अटेंशन पाने के लिए ही ये सब कर रहा है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स ये तो सेकेंड पॉइंट था कि अटेंशन पाने के लिए, अब हम लोग थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट ये है कि रैबिट जैसे कुछ बोलना चाहता है, जैसे कि उसे तो मतलब वो तो कुछ बोल नहीं पाएगा तो कुछ तो एक्शन करके बताएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग एक जगह मतलब कि नोटिस करते हैं कि हम लोग अगर वो कुछ कहना चाहता है तो वो फिर चीज़ों को मतलब कि च्यू करके चिबा कर, या तो मतलब कि मैं आपको एग्जांपल देकर यहाँ पे बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स जैसे कि बहुत इमरजेंसी होता है, बहुत रेयर ही कभी ऐसा हुआ, तब हम लोग अपने रैबिट को पिंजरे में रखते हैं। जैसे कि हम लोग जब हम लोग होम टाउन जाते हैं तो बहुत कम घंटे का रास्ता है, तो फ्रेंड्स तब हम लोग अपने बनी को केज में डालकर ले जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग केज में उसको डालते हैं गुपलू को, तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बनी है वो केज को ज़ोर ज़ोर से एकदम हिला रहा है और दांतों से एकदम उसको मतलब च्यू करता है, मतलब ज़ोर ज़ोर से कि मतलब वो कहना चाहता है। फ्रेंड्स मतलब थर्ड पॉइंट में यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रैबिट जब वो कुछ बताना चाहता है या तो गुस्सा है तब भी वो च्यू करके आपको बताएगा। तो जैसे कि पिंजरे में जैसे डालते हैं तो दांतों से एकदम च्यू करता है कि मतलब वो कहना चाहता है कि प्लीज़ मुझे खोलो मुझे इस पिंजरे के अंदर नहीं रहना है फ्रेंड्स। तो एक ये थर्ड पॉइंट यही है कि वो कुछ आपको बताना चाहता है। तो ये तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि हमारा बनी हमें बताना चाहता है कि पिंजरे में उसे नहीं रहना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब मैं फोर्थ पॉइंट पर चलती हूँ। फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर रैबिट को खरगोश को कुछ आपसे कुछ मांगना है या तो कुछ, तो तब भी वो आपके पास आकर
हल्का सा, मतलब हल्का सा दांत गराता है, मतलब कि वो क्योंकि वो बेचारा बोल तो नहीं सकता। और जैसे कि अगर हम लोग काम में बिजी है, लाइक हम लोग जैसे रोटी बना रहे हैं या तो किचन में या तो कुछ भी काम कर रहे हैं और रैबिट हमारा नीचे है और हमें ध्यान नहीं है कि हमारा रैबिट किधर है, तो रैबिट तो वो काफ़ी छोटा होता है ना, तो रैबिट वो कैसे बता पाएगा। तो वो देखता है कि अरे कोई तो मुझे देख ही नहीं रहा है, अटेंशन तो दे ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स वो अगर से कुछ मतलब मांगना होता है तो फ्रेंड्स से, या तो हम लोग जैसे कि कुछ सब्जी लेकर आए या तो हम लोग कुछ घास लेकर आए और हम लोग फ्लैप के ऊपर रख दिए हैं, तो फ्रेंड्स रैबिट अगर देख लिया तो रैबिट हमारे पैर पर जाके हल्का सा मतलब हल्का सा बाइट नहीं कहेंगे, मतलब हल्का सा टच करता है और मतलब वो बस बताना चाहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज़ मुझे खाना दो ऐसा। तो फ्रेंड्स से इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि रैबिट उस समय हम लोगों से मतलब खाना मांग रहा है। तो फ्रेंड्स इसलिए वो मतलब कि हल्का सा मतलब कि चुभाता है। फ्रेंड्स अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं। फ्रेंड्स रैबिट कुतर कर तब भी फेंकता है चीज़ों को जब उसे कुछ पसंद ना हो। फ्रेंड्स ये बहुत ही कॉमन बिहेवियर है, ये हम लोगों ने खुद नोटिस किया है। जैसे कि हमारा जो गुपलू है तो हम लोगों ने समझा कि उसे जब पसंद नहीं है कुछ, जब उसे चीज़ें पसंद नहीं होती है तो वो कुतर कुतर के फेंकता है। जैसे कि हम लोग उसको जब हम लोग गाजर खिलाते हैं तो एक्चुअली हम लोग खाना उसको अधिकतर अपने हाथ से ही खिलाते हैं, तो उसको आराम से गोदी में बैठा लेते हैं और उसके बाद उसको सहलाते हुए उसको कैरेट खिलाते हैं या तो घास खिलाते हैं, जो भी उसका फूड है वो हम लोग उसको देते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम लोग कैरेट खिलाते हैं, गाजर खिलाते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं, जब तक वो खाता है मतलब जब तक उसका पेट भर जाता है तब तक वो बहुत इंजॉय करके खाता है, और उसके बाद हम लोग उसको ध्यान नहीं है, अगर हम लोग कुछ लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और रैबिट को भी खिला रहे हैं तो फ्रेंड्स देखते हैं कि रैबिट गुस्से से काट काट कर गाजर को फेंक रहा है। मतलब तब हम लोग को समझ में आ रहा है कि उसका मतलब ये समझ में हमें आया कि वो अभी डिसलाइक कर रहा है, वो पसंद नहीं कर रहा है अब खाना, अब हो चुका है उसका खाना, अब वो नहीं खाएगा। तो गुस्से से भी वो फेंकता है और उसे पसंद नहीं है तो वो एक इंडिकेशन देता है, इसलिए वो चीज़ों को कुतरता भी है। फ्रेंड्स तो ये सारी चीज़ें मैं एग्जांपल देकर बता रही हूँ। फ्रेंड्स आई होप आपका भी बनी शायद ऐसा करता है नहीं करता है, आई डोंट नो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर फ्रेंड्स जो सिक्स्थ पॉइंट है, रैबिट एक्सप्लोर करने के लिए भी चीज़ों को कुतरता है या तो मतलब देखना चाहता है कि वो क्या है, ऑब्जर्व करता है। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया है, जो पहले वीडियोस जो इतने अपलोड किया है फ्रेंड्स में, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि रैबिट काफ़ी एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, कुछ भी घर में नई चीज़ें आएगी तो तुरंत जाता है CID की तरह कि ओह ये क्या चीज़ है, चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं, घर पर ऐसा चीज़ क्या आ गया। तो वो कोई जाए या ना जाए, हमारा बनी ज़रूर वहाँ पे पहुँच जाता है एक्सप्लोर करने के लिए CID की तरह। तो फ्रेंड्स हमारा जो बनी है वो भी एक्सप्लोर करता है, मतलब चीज़ों को कुतर के वो देखता है कि ये क्या है नहीं है, मतलब वो एक्सप्लोर करता है फ्रेंड्स। तो इस बेसिस पे मैं बता सकती हूँ कि रैबिट च्यू या तो कुतरता वो एक्सप्लोर या तो ऑब्जर्व करने के लिए भी वो करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सारे जो पॉइंट्स जो आप लोगों के साथ जो शेयर किया है मैंने, ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर शेयर किया है। फ्रेंड्स आपका बनी चीज़ों को क्यों कुतरता है, क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया है फ्रेंड्स, मतलब कि आपका जो बनी जब आपके घर पर रहता है और वो जब वो कर मतलब कि चीज़ों को कुतरता है तो आपने क्या फ्रेंड्स ऑब्जर्व किया है, प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। फ्रेंड्स मैंने जो 6-7 पॉइंट जो आप लोगों के साथ जो डिस्कस किए हैं, क्या उसमें से क्या आपका बनी भी सेम ऐसा बिहेव करता है इस कंडीशन में, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा।
फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ खरगोश के ऊपर फ्रेंड्स से, हमारे घर में जो बनी है खरगोश है, गुपलू है जो, तो उसकी वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहती हूँ फ्रेंड्स, और खरगोश के ऊपर जानकारी हमेशा लाते रहती हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, टाटा गुड बाय।